रेवड़ी फिर अपनहु दे। जैसे स्वार्थ में अंधा व्यक्ति जब कुछ बांटता है तो सिर्फ अपनों को ही देता है, वैसी ही पश्चिमी जगत की संस्थाएं भी है। हाल फिलहाल में कुछ ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं माना गया था, यहाँ तक कि भारत को एक आजाद मुल्क भी नहीं माना गया। अब इसका इलाज भारत सरकार ने ढूंढ लिया है और ऐसी रिपोर्टों के लिए बड़ा जोरदार थप्पड़ का काम भारत सरकार की नई रणनीति कर रही है। जानेंगे सरकार ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ कातिल खेल रहे बाइडेन और पुतिन ने क्या आपस में समझौता कर लिया है? पुतिन ने बाइडेन को क्यों बुलाया? और सबसे बड़ी खबर, कुवैत ने भारत से कर दी है बड़ी मांग, एक ऐसी मांग जिसने भारत को धर्म संकट में डाल दिया है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। आजकल बड़ी गर्मागर्मी चल रही है रूस और अमेरिका के बीच में। ऐसा लगता है जैसे बाइडेन चीन को छोड़कर रूस के पीछे पड़ गए हैं और कूटनीति का नया खेल भी चालू हो गया है। दरअसल पुतिन और बाइडेन एक दूसरे को कातिल कह रहे हैं और इसके तुरंत बाद रूस के विदेश मंत्री सरगेई लवारो अगले सप्ताह चीन जा रहे हैं। अमेरिका के साथ दोनों देशों के तल्ख होते रिश्तों के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस खास नेता का चीन जाना बड़ा मायने रखता है। माना जा रहा है कि चीन और रूस अगर साथ आते हैं तो इससे एशिया में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अमेरिका की मुश्किलें बढ़ेंगी। हाल के दिनों में अमेरिका और चीन को सिंजियांग, तिब्बत, हांगकांग और ताइवान को लेकर आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। वहीं रूस के साथ यूरोप में अमेरिका का तनाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तो पुतिन को हत्यारा तक कह चुके हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान के अनुसार 22 मार्च को लावरो चीन पहुंचेंगे और दो दिनों की यात्रा पर वो अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। वैसे आपको बता दें, चीन के साथ आज पहली बार बाइडेन प्रशासन भी बैठक कर रहा है और दो दिन पहले ही चीन ने अमेरिका जापान के उस बयान का विरोध किया था जिसमें चीन की विदेश नीति की आलोचना की गई थी। वैसे जो बाइडेन और पुतिन के बीच जैसे ही तकरार बढ़ी, रूस ने अपने राजदूत को वापस बुलाया है 20 मार्च को। हालांकि ये हमेशा के लिए है या तत्काल के लिए ये साफ नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि तुरंत उन्हें रूस पहुंचना है। अमेरिका के उस 15 पेज के इंटेलिजेंस रिपोर्ट जिसमें ये कहा गया कि रूस ने अमेरिकी चुनाव में दखल देने की कोशिश करी, उसके बाद से बहुत ही ज्यादा समस्या बढ़ रही है। वैसे जब रूसी राजदूत से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मैं रूस इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमें फिर से देखना होगा कि रूस और अमेरिका के रिश्तों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने भी इन जुबानी लड़ाइयों के बीच जो बाइडेन को वर्चुअल बात करने के लिए बुलाया है, यानी कि ऑनलाइन, लेकिन उन्होंने ये भी शर्त रख दी है कि हम जो भी बात करें उसका जमीनी कुछ दिखना चाहिए, यानी कि सिर्फ हवा में बात ना हो। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि शुक्रवार या सोमवार को दोनों देश के नेता आपस में बातचीत कर सकते हैं। वैसे जितनी जल्दी इन दोनों में सुलह हो जाए उतना ही अच्छा है, नहीं तो दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी लेकर चला जाएगा और वो बंदर कौन है ये कहने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नई भारत की सरकार तड़ातड़ जवाब दे रही है और जैसे को तैसा करने में यकीन भी रख रही है। दरअसल पश्चिमी जगत में और यूरोप में भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने आप को थिंक टैंक कहती हैं और ये क्या करते हैं, वार्षिक लेवल पर एक ऐसी रिपोर्ट जारी कर देते हैं जिसमें मनमाने ढंग से किसी देश को अगर गिराना है तो उसके लिए निगेटिव लिख देते हैं, किसी को उठाना है तो उसके लिए पॉजिटिव लिख देते हैं। अब जैसे हाल फिलहाल में ये बात आ गई कि भारत में अब आजादी नहीं रह गई है, जिसके बाद ये पूरा केंद्र बन गया डिस्कशन का और मीडिया हाउस से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत तक में ये बातें होने लगी कि भारत की रेटिंग खराब हो गई है। ऐसा ही कुछ लोकतंत्र को लेकर भी आया था जिसमें ये कहा जाने लगा कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रह गया है, भारत अब दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं रह गया है। लेकिन अब उन ज्ञानियों के ज्ञान का चूर्ण बनाने के लिए भारत ने भी फैसला ले लिया है। दरअसल भारत
अब अपने देश में इस तरह के थिंक टैंक बनवा रहा है और उसके लिए फंड भी दे रहा है, जो अब वार्षिक रिपोर्ट निकालेंगे और इसी तरह से दुनिया के लोकतंत्र, दुनिया के व्यवहार और दुनिया में घट रही घटनाओं के आधार पर दूसरे देश को रेटिंग देंगे। मतलब कि ईंट का जवाब पत्थर से। वैसे ये सब कूटनीति के हिस्से होते हैं और भारत की नई रणनीति बिल्कूल सही दिशा में जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कुवैत ने भारत से एक बड़ी मांग करी है और यह मांग भारत को अपने सबसे अजीज दोस्त के बीच में एक धर्म संकट में डाल देगा। दरअसल कुवैत के विदेश मंत्री अल सबाह भारत आए हुए हैं और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी बैठकें चल रही है। वैसे आपको बता दें, इन दिनों कुवैत के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। जब भारत में पूर्ण लॉकडाउन था, तब भी भारत ने कुवैत को डॉक्टर, नर्स, दवाइयां भेजी थी। कुवैत के जनसंख्या, अगर कुवैत की जनसंख्या की बात करें तो 4.1 मिलियन में 1.4 मिलियन जहां कुवैती हैं, तो वहीं 9 लाख भारतीय हैं। और कुवैत भारत के इस मदद को आज भी बड़े गर्व से दुनिया को सुनाता है। अल सबाह ने भारत के बारे में यह कहते हुए दुनिया को यह बताया कि भारत ने सबसे खराब समय में कुवैत की मदद करी और वो समय था महामारी का काल, जब भारत आगे आया और भारत की मदद से हम लोगों को बहुत फायदा हुआ। वहीं अल सबाह इजराइल और यूएई के बीच में जो समझौते हुए हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स, उसको लेकर भी बड़ी बात कह गए। उन्होंने ये कहा कि जो यूएई, बहरीन और सऊदी अरब इजराइल के साथ कर रहे हैं, वो दुनिया के लिए बहुत सही है। ये बहुत सही है कि एक शांति स्थापित हो जाए और दुनिया को भी समझना होगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी समझना होगा कि शांति बेहद जरूरी होती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब एक मुद्दा और है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह है इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा। दुनिया ने इस मुद्दे को लेकर बहुत सारा खून खराबा देखा है, लेकिन अब दुनिया को इस मुद्दे को भी हल करना चाहिए। वैसे उन्होंने भारत से विशेष आग्रह करा कि इजराइल और फिलिस्तीन के इस मुद्दे को हल करने में भारत मदद करे, क्योंकि भारत फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का दोस्त है और इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत एक अहम किरदार बन गया है, इसलिए भारत की महत्ता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे भारत इस मुद्दे पर कितनी मदद कर पाएगा, ये तो कहना मुश्किल है। भारत भी शांति चाहता है, लेकिन न तो इजराइल का पक्ष ले सकता है और न ही फिलिस्तीन का पक्ष ले सकता है। इस मसले को इजराइल और फिलिस्तीन ही शांति से आपस में बैठकर हल कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के मुद्दे में पड़ना चाहिए? इजराइल जैसे कभी भारत और पाकिस्तान के मुद्दे में नहीं पड़ता है, क्या वैसे ही भारत को भी नहीं पड़ना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।